हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक आवर चैनल सिविल इंजीनियर्स ग्रोथ। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों पहले रेलवे द्वारा जो है एक महत्वपूर्ण सूचना जारी किया गया था, नोटिफिकेशन जारी किया गया था आरआरबी एनटीपीसी वालों के लिए। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि बताया गया था कि 21 तारीख से जो है एप्लीकेशन स्टेटस आप अपना चेक कर पाएंगे, उसका लिंक एक्टिव हो जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगा, वहां से जाकर आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड से हो, आप वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल नंबर है 01/2019 NTPC हाउ टू चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस। रजिस्ट्रेशन आईडी अगर भूल गए हैं तो क्या करना होगा इसके बारे में बताएंगे, और अब तक चेक नहीं किए हैं अपना एप्लीकेशन स्टेटस तो जाकर चेक कर ले, लिंक एक्टिवेट हो गया है, रिजेक्टेड है या एक्सेप्टेड है, उसके बारे में अपना जो है कन्फर्म हो ले, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बता दें कि आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आरआरबी, जैसे कि मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, सबसे पहले गूगल पे चला जाता हूँ। गूगल पे आने के बाद आपको सर्च करना पड़ेगा किसी भी बोर्ड को। आप सर्च करते हैं रेलवे का बोर्ड आरआरबी, जैसे कोलकाता में सर्च करता हूँ, सर्च कर लेना है कोलकाता। जैसे ही आरआरबी कोलकाता खोलेंगे, एक पेज खुल कर आएगा, उस पर आरआरबी कोलकाता वो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, सबसे टॉप में, उसको क्लिक करना है। तो फिर एक नया पेज खुल कर आएगा, ओपन हो जाएगा, और जैसे ही ओपन होगा उसके ऊपर में लिंक दिया रहेगा, लिंक प्रोवाइड होगा जहाँ से आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो अब तक चेक नहीं किए तो जाकर चेक करें, क्योंकि कंफर्म होना बहुत ही अति आवश्यक है। अगर रिजेक्टेड है तो क्या करना होगा, ठीक है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो देखिए ऊपर में लिंक दे रखा है, ये लिंक दे रखा है, आप यहाँ से जाकर अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हो। सिंपल से मैं क्लिक कर लेता हूँ इस पर, तो क्लिक करते हैं, एक नया पेज ओपन हो जाता है। आपको यहाँ आ जाता है कि आपको एप्लीकेशन स्टेटस और फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर। एप्लीकेशन स्टेटस देखने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ याद होना चाहिए, अगर नहीं तो फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर कर सकते हैं। वो भी मैं प्रोसेस सारा बताऊंगा कैसे करेंगे आप। सबसे पहले एप्लीकेशन स्टेटस को क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन हो जाता है। उसके बाद आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे ही बोर्ड आप सेलेक्ट करते हैं, देखिए बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ता है, कोई भी किसी भी बोर्ड से आप बोर्ड को सिलेक्ट कर लें। तो मैं कोलकाता बोर्ड को सिलेक्ट करता हूँ। कोलकाता बोर्ड को सिलेक्ट करते ही एक नया पेज ओपन हो जाता है, ठीक है, नया पेज ओपन हो जाता है। देखिए ऊपर में लिखा हुआ क्या, एप्लीकेशन लॉगिन फॉर सेंट्रल नंबर, सेंट्रलाइज नंबर 01/2019, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। तो इसमें आपको करना कैसे है कि आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक कर पाएंगे, आपको इसमें पंजीकरण संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ अपना फिल करना है जो फॉर्म में दिए थे, उसके बाद इसमें कैप्चा फिल करना है, उसके बाद आपको लॉगिन कर देना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपका एप्लीकेशन स्टेटस दिखाने लगेगा कि आप एक्सेप्टेड है रिजेक्टेड है। अगर एक्सेप्टेड है तो वहाँ लिख देगा योर एप्लीकेशन स्टेटस इज़ एक्सेप्टेड, अगर रिजेक्टेड है तो वहाँ लिख देगा कि योर एप्लीकेशन इज़ रिजेक्टेड, और आपको एक ईमेल या फिर मैसेज भी आएगा रिजेक्शन का, ठीक है। तो अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन में भूल गए हैं तो आपको यहाँ सिंपल सा क्लिक करना पड़ेगा। चलिए क्लिक करके बताते हैं फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे आपको करना होगा आगे का प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जब अपना रजिस्ट्रेशन में भूल गए हैं तो आपको ईमेल आईडी फिल करना पड़ेगा जो फॉर्म में दिए थे, उसके बाद रजिस्टर्ड नंबर दिए थे वो फिल करना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ फिल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कैप्चा इसमें आप फिल कर देते हैं, कैप्चा फिल कर देते हैं, और गेट डिटेल्स B1 प्राप्त करें इस पर क्लिक कर देते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं, तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर बता देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर बता देगा तो आप फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर बैक जाना पड़ेगा, ठीक है, होम पेज पे जाना पड़ेगा, और वहां से आपको क्या करना पड़ेगा कि चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि पहले बताया कि रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आप कैप्चा डालकर अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉरगेट रजिस्ट्रेशन में यही आपको बताएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है क्या। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, देखिए फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही आपको पता चल जाएगा आपको फिर यहाँ आना होगा, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना पड़ेगा, इसमें जन्मतिथि फिल करना पड़ेगा, और इसमें आपको कैप्चा फिल करना पड़ेगा, फिर लॉगिन करना पड़ेगा, तो आपका एप्लीकेशन स्टेटस, आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस जो भी होगा आपका वो वहाँ पे शो करने लगेगा, रिजेक्टेड है या एक्सेप्टेड है लिख देगा, योर एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड या और रिजेक्टेड, ठीक है। तो ये प्रोसेस था। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा कि अगर आप रिजेक्टेड हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, सुधार करवाने के लिए। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन वाला होगा और हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए,
और मज़ा आया होगा वीडियो को देखकर। तो एक बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है NTPC वालों के लिए, क्योंकि RRB ने NTPC वालों का जो है टेंडर भी क्लियर कर लिया है और एप्लीकेशन स्टेटस भी शो कर दिया, और जल्द ही जो है उसके एग्जाम से रिलेटेड अनाउंसमेंट होने वाला है। तो हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जो भी अनाउंसमेंट या RRB NTPC से रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा, ठीक है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करना और नए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो भी NTPC का फॉर्म डाले हुए हैं या ग्रुप डी का फॉर्म डाले हुए हैं, ठीक है, पल पल के नोटिफिकेशन के लिए, अपडेट के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद, जय भारत।